संतरा नगरी के बड़े ताजबाग में बाबा ताजुद्दीन इनका 169वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए पूरी दुनिया भर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु आए हुए हैं। आइए डालते एक नजर। महाराष्ट्र की भूमि सूफी संतों और महंतों की है। इस भूमि पर कई संत महात्मा आए जिन्होंने लोगों को ज्ञान के मंजर से भर दिया है। इसी श्रृंखला में नागपुर के बाबा ताजुद्दीन इनके ज्ञान चमत्कार से राजे रघुजी भोसले इन्होंने नागपुर में बाबा ताजुद्दीन की सेवा की। छोटा ताजबाग, वाकी दरगाह, बड़ा ताजबाग आदि जगहों पर ताजुद्दीन बाबा का 169वां जन्मदिन मनाया गया है। इसी श्रृंखला में बड़ा ताजबाग में 169वें जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। हर कोई बाबा ताज के चौकट पे आकर माथा टिका रहे थे। भारतवर्ष से आए श्रद्धालुओं ने INBCN समक्ष बातचीत की। दर्शकों नमस्कार, इस समय में INBCN की टीम जो है बड़ा ताजबाग में आई है। नागपुर शहर की आन बान और शान के नाम से जाने जाने वाला ये वही बड़ा ताजबाग है जहां पर हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनका 169वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय में INBCN की टीम बड़ा ताजबाग परिसर में, अब हम आपको अंदर लेके जाते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर सुबह से ही जायरीन और अकीदतमंद जियारत करने यहाँ पे आए हुए। आइए हमारे साथ हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आज इनका 159वां जन्मदिन यहाँ पे जो मनाया जा रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि इस समय में हम वही खड़े हैं जहाँ बाबा जान अंदर में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, ये वही जहाँ पे जो अकीदतमंद है यहाँ पे जियारत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालु जो है दूर दराज से, पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी यहाँ पे बड़े संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। इस बाबा ताज के इस नगरी में यानी बड़ा ताज बाग में लोग माथा टिका टेकते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा जान के चौकट पे आज हर कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है। देख सकते हैं कि संगीत के प्रोग्राम चल रहे हैं, कव्वाली का प्रोग्राम चल रहे हैं, लंगर का प्रोग्राम शुरू है। अभी कुछ लोग हैं जो अंदर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि कैसा लग रहा है आज यहाँ पे बाबा जान का 169वां जन्मदिन मनाते हुए आपको? या बाबा सरकार का जन्मदिन है, या तमाम पूरे देश विदेशों से पब्लिक आई है, सब जियारत कर रहे हैं सरकार की, सब अपने तरफ से प्रसाद महाप्रसाद लड्डू चावल सब कव्वाली का कार्यक्रम हो रहा है, सब आ रहे हैं, सब जियारत कर रहे हैं। यहाँ की सिस्टम बहुत अच्छी है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की ट्रस्ट वाले ने अच्छी व्यवस्था करके रखी है, किसी को कुछ तकलीफें नहीं हो रही है, और विद फैमिली लेडीज़ जेंट्स लोग आके यहाँ जियारत कर रहे हैं सरकार ताजुल औलिया का। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, सिर्फ आज बर्थडे है बाबा का तो अटेंड करने आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, हर साल आता हूँ। हमारे मन्नतें मुरादें पूरी होती है, यहाँ कुछ भेदभाव नहीं होता है, यहाँ पूरा ट्रस्टी ने पूरा अच्छा इंतजाम करके रखी है। बाहर के आने वाले लोगों के वास्ते इंतजाम भी अच्छा है, जाने आने के वास्ते, बाकी सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सरकार के दर्शन करने के लिए और हम मुरादें पूरी होती, बल्कि मुराद लेके आए हैं हम, हमारे बच्चे के लिए, बाहर जाने के लिए, घर की परेशानियों के लिए, बच्चों के शादियों के लिए, पूरे आलम के लिए हम दुआ कर रहे हैं सरकार के पास। मैं पुणे से आया हूँ, यहाँ आके मन प्रसन्न हो चुका है। इतने लोग भाविक लोग हैं कि हम भी उनके बीच में है, सब काम पूरे होंगे, ये उम्मीद से वापस घर लौट जा रहे हैं। मैं MP छिंदवाड़ा से आया हूँ। मेरी बस एक ही तमन्ना है, जैसा हमारा हिंदुस्तान ने अभी पहले से बना है वैसा ही हमेशा बना रहे, अमन शांति बनी रहे। जो लोग इसको तोड़ना चाह रहे हैं उनका तो वो बाबा जान देख ही लेंगे, बाकी यहाँ सब लोग खुशी खुशी बाबा ताज का जन्मदिन मनाने आए और दिलों में सबकी जो भी मुराद है बाबा जान पूरी करते, तो सबकी दिलों की तमन्ना पूरी होती है, तो सब जन आते जाते। मैं भी आ रहा हूँ, 5 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये थे आप तमाम लोग जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ बात करते हुए ये कहा है कि जिस प्रकार से आज बाबा ताजुद्दीन जी का 169वां जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जो मनाया जा रहा है, इसी श्रृंखला में पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे कई श्रद्धालु कई अकीदतमंद जियारत करते हुए यहाँ पे नजर आए, और हर किसी ने यही कहा है कि वे कुछ ख्वाहिशें कुछ मन्नतें यहाँ बाबा जान से कुछ मांगने के लिए यहाँ पे आए हुए। और ख़ासतौर पर एक
जो ये एक युवा साथी है उसने ये भी कहा है कि देश का जिस प्रकार से जो माहौल जो है जो शुरू है वो कहीं ना कहीं दिल को एक झिंझोड़ने वाला ऐसा है। ऐसे समय में बाबा जान उन लोगों को देख रहे हैं, उनको बाबा जान सद्बुद्धि दे और देश में जो अलग अलग तरह की जो बातें होती है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी जाति धर्म पंथ के लोग जो है बड़ी संख्या में आज बाबा जान के इस यहाँ माथा टेकने के लिए बाबा जान के चौकट आए हुए हैं। और यही एक खास है बाबा ताजुद्दीन जी की कि बाबा ताजुद्दीन ने अच्छे कामकाज के जरिए लोगों को अच्छे अमन और शांति के लिए भी लोगों को कई कामकाज दिए हैं। ऐसे में बाबा ताजुद्दीन जी का ये जन्मदिन है अपने आप में एक है। सिर्फ यहाँ पे अमन और शांति हो, पूरे दुनिया में प्यार भाईचारा कायम हो, यही दुआएं लेके आज तमाम लोग बाबा जान की चौकट पे जियारत करते हुए माथा टेकते हुए इन्होंने ये बात कही है। बड़ा ताजबाग से यहाँ पे देखने वाले तमाम चैनल वालों को, INBCN के तमाम दर्शकों को ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। और बाबा ताजुद्दीन जी आपके ऊपर में ऐसी असीम कृपा रखे और देश में अमन और शांति और भाईचारा कायम रहे, यही बात करते। बड़ा ताजबाग से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।